फातमीद फाउंडेशन पिशावर के ज़ेर एहतमाम अतिय खून के आलमी दिन की मुनासबत से निश्तर हाल पिशावर एडिटोरियम हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माउनी खसूसी बराए इत्तिलात और तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और MPA चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए सेहत राबिया बसरी थे। तकरीब में कसीर तादाद में ब्लड डोनर और उनके वालदैन ने शिरकत की। 95 से रेगुलर डोनर हूँ फातिमा फाउंडेशन का। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। मैंने आज तक 67 दफ़ा खून दिया, 67 दफ़ा। तो जो रेयर ग्रुप्स हैं वो कम होते हैं, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। ये एहसास होता है मुझे कि और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि खून का अतियात देना बहुत बड़ी नेकी और सदका जारिया है। उन्होंने कहा कि इस दौर में जो लोग खून का अतियात देते हैं और दूसरों की जानें बचाते हैं, असल हीरो वही लोग कहलाते हैं। लेकिन फातिमा फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ा अजीम कार्य खैर सर अंजाम दे रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसी फाउंडेशन और ऐसे इदारे इस कौम का हकीकती सरमाया है, क्योंकि ये उन अफराद को और उन तबकात को उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इग्नोर थे, जिनको माशरे में वो तवज्जो नहीं मिल रही होनी चाहिए। तकरीब के मेहमान खसूसी राबिया बसरी का कहना है कि ब्लड डोनर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और खुशी की बात यह है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ये दिन जोश व जज्बे से मनाया जाता है और लोग इस जोश व जज्बे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं। उन्होंने फातिमा फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बदर हुसैन और दीगर अमले को भी खराज तहसीन पेश किया। ये लोग थैलेसीमिया से जो बच्चे गुजर रहे होते हैं, हेमोफीलिया से गुजर रहे होते हैं या और ब्लड के कोई मसले होते हैं, उनके लिए ये हर वक्त 24 घंटे आपको अपने इंस्टीट्यूट में मिलते हैं और उनका इलाज करते हैं और अपने सिविल सोसाइटी जो है उनको ये कवर करते हैं। गवर्नमेंट भी इनके साथ खड़ी होती है इनके अच्छे कामों के लिए। और आज जैसे इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मुझे इन्होंने अपने मसले मसाइल बताए तो मैं इंशाल्लाह इनके साथ स्टैंड करूँगी। फातिमा फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बदर मुनीर का कहना है कि फातिमा फाउंडेशन इस वक्त थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पूरे पाकिस्तान में खून की तरसील का काम कर रहा है। इस वक्त से इसका एक रेगुलर डोनर था, फिनांशियल भी और ब्लड भी, और ना सिर्फ खुद ब्लड दिया करता था बल्कि मेरे ब्रांच में जो स्टाफ आता था, कस्टमर आते थे, मैं उनसे भी ब्लड लिया करता था। फिर इसी वजह से मैं कुछ 2009 तक इसका डायरेक्टर रहा। अब जब मैं बैंक से रिटायर हो चुका हूँ, इनके यहाँ कर्नल अब्दुल अज़ीज़ साहब थे, उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी खिदमत की है इस इदारे की। उनकी वफात के बाद इन्होंने मांगी थी दरख्वास्तें, मैंने भी अप्लाई कर दिया। उसमें अल्लाह ताला ने शायद ये काम मुझसे लेना था। पिछले साल जून को मेरी यहाँ तकरीरी हुई। तकरीब के बाद राबिया बसरी ने भी खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने पूरे सूबे में सेहत कार्ड के जरिए इलाज फ्री कर दिया है। इस तकरीब में पिशाव मॉडल स्कूल के तलबा जो खून देने की एहतियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनकी इन खिदमात को सराहते हुए ब्लड डोनर शील्ड भी पेश की गई। साथ ही रिपोर्टर शुएब जमील और अदनान बशीर के साथ उमेर रुबाब, कसौटी डिजिटल, पिशावर।